काफ़ी कम हो गए हेयरफॉल, जबकि एक बार ही यूज़ करा है, तो मैं अगर इसको कंटिन्यू रखती हूँ तो मेरे बाल काफ़ी हद तक टूटना कम हो जाएंगे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक, मैं हूँ पल्लवी मेघवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी विंटर सीजन चल रहा है और सबको हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता ही है, मतलब विंटर सीजन में स्कैल्प काफ़ी ड्राई हो जाती है, तो उसकी वजह से हेयर फॉल होता है, डैंड्रफ हो जाती है, सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और मेरे साथ भी यही हो रहा था, मैंने कोई भी प्रोडक्ट वगैरह चेंज नहीं करे थे जिससे कि मुझे लगे कि हाँ उसकी वजह से ये हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं चीज़ें यूज़ कर रही थी। लेकिन हमेशा का है, विंटर सीजन में बाल थोड़ा रूट बिहेव करते ही है, तो इसीलिए फिर मैंने बी प्लांट का हेयर फॉल कंट्रोल रेंज मंगवाया है जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभी। तो जी, पूरे रेंज में ये तीन प्रोडक्ट आते हैं, ये है बी प्लांट हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, देन दिस इज़ कंडीशनर, एंड दिस इज़ आर हेयर फॉल कंट्रोल स्कैल्प हेयर टॉनिक एंड इम्प्रूव हेयर ग्रोथ। तो ये तीनों चीज़ें मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। हाँ जी, तो मैंने एक बार मैंने हेयर वॉश करा है इनसे, और ये जो टॉनिक है मैं हर रोज़ लगा रही हूँ आजकल। तो जी, एक बार हेयर वॉश करने पर ही मुझे जैसे कि काफ़ी हद तक बिल्कुल कम हो गए, ऐसा नहीं कह सकती मैं हेयर फॉल, लेकिन हाँ कम ज़रूर हो गए हैं। मैं पहले हेड एंड शोल्डर का शैम्पू और डव का कंडीशनर यूज़ कर रही थी। डव के तो प्रोडक्ट थोड़े हेयर फॉल ज़्यादा ही होता है उनसे, मेरे ओपिनियन से मुझे डव के प्रोडक्ट सूट ही नहीं करते हैं, लेकिन मैंने तो ये पूरी बी प्लांट की ही रेंज मंगवा ली है। ये मुझे डिस्काउंट में, वैसे तो ये इनकी प्राइस 1400 तक की है, लेकिन मुझे ये 950 समथिंग में पड़ गए थे ये तीनों प्रोडक्ट। इसके बाद दो और छोटे ट्रायल भी आए हैं इसी के शैम्पू और कंडीशनर के, तो कुल मिला के मेरे को तीन ये और दो और चार पांच चीज़ें मिली हैं, तो काफ़ी अच्छा है शैम्पू भी और कंडीशनर भी। इसमें है पिया प्रोटीन, हेयर फॉल को कम करेगा और 93% तक ये इसका दावा है, और 300 ml इसकी क्वांटिटी आती है। शैम्पू में 300 ml है और कंडीशनर में है जी 250 ml। ओके, तो काफ़ी मैंने यूज़ करा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि सबको हेयर फॉल हो रहा है, जिसको भी पूछ लो। तो चलो, मैंने सोचा और हेयर फॉल हो रहा है लेकिन न्यू हेयर ग्रोथ भी तो चाहिए, इसके लिए मैंने ये हेयर टॉनिक मंगाया, लेकिन इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगी। तो इसको यूज़ करने का भी एक अलग ही तरीका है, जिससे हमें न्यू हेयर ग्रोथ होंगे, न्यू बेबी हेयर्स आएंगे, मुझे आने लगे, क्योंकि मैंने ये तीन चार बार यूज़ कर लिया है, इसके बाद ही मैं इसका रिव्यू आपके सामने दे रही हूँ। और अलग से मैं इसका वीडियो बना दूँगी ताकि आपको हेल्प हो जाए, और आप चाहे तो ये ज़रूर से मंगाइएगा, डिस्काउंट देख के मंगा लीजिएगा, अच्छा है मेरा ओपिनियन। इतना ज़्यादा ठीक है ना, 950 में इतनी पाँच चीज़ें आ रही है, दो और है मेरे पास, इनकी ही ट्रायल है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। काफ़ी कम हो गए हेयर फॉल, जबकि एक बार ही यूज़ करा है, तो मैं अगर इसको कंटिन्यू रखती हूँ तो मेरे बाल काफ़ी हद तक टूटना कम हो जाएंगे। और हेयर ग्रोथ के लिए हेयर टॉनिक यूज़ कर रही हूँ मैं, आप चाहे तो करें चाहे तो ना करें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़े बाल है ना हेवी हो, मेरे बाल इतने ज़्यादा मोटे नहीं हैं, तो न्यू बेबी हेयर्स आ जाएंगे, फिर नई ग्रोथ हो जाएगी, तो बाल थोड़े हेवी हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो बस यही है आज का वीडियो, बी प्लांट शैम्पू और कंडीशनर और हेयर टॉनिक को लेकर। तो अच्छा रिव्यू है मेरा इसको लेकर, आप चाहे तो ज़रूर से मंगा लीजिएगा। इसकी साइट से मंगाना, बी प्लांट की साइट से मंगाओगे तो अफोर्डेबल पड़ जाएगा, बाकी नायका, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी पड़ जाता है। और अगर आप साइट से नहीं मंगाओ तो अमेजोन से मंगा लेना, क्योंकि प्रोडक्ट अमेजोन पे कम प्राइस के मिल जाते हैं, नायका में भी थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं और फ्लिपकार्ट पे भी, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में मैं अमेजोन पे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, थोड़ा डिस्काउंट वगैरह वहाँ पर ज़्यादा मिल जाता है, बाकी साइट से मंगा लेना कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे तो भी हाँ, या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाता है। तो इसकी प्राइस है 400 रुपये, और इसकी 400 800 के तो यही हो गया, और ये 450 का है, तो तीनों मिला के 950 में मिल गए, तो ये अच्छी डील हुई, तो ज़रूर से मंगाइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय, लव यू, टेक केयर।